खबर इंडोनेशिया से दे रहे हैं। सबसे पहले आपको इंडोनेशिया के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भारतीय प्रवासियों ने जोरदार स्वागत किया। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। यहां जकार्ता में आसियान समिट में प्रधानमंत्री ने शिरकत की और भारत की एक्ट ईस्ट नीति को अहम बताया प्रधानमंत्री ने। और भारत और आसियान के बीच सहयोग बढ़ रहा है, उन्होंने कहा 21वीं सदी एशिया की सदी। साथ ही 18वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। जकार्ता पहुंचे आज सुबह प्रधानमंत्री, यहां उनका जोरदार स्वागत किया गया भारतीय समुदाय के लोगों की तरफ से। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से इस्तकबाल किया गया प्रधानमंत्री का, अहम अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। अहम भूमिका, तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे प्रधानमंत्री। यहां आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि अपने संबोधन में पीएम ने कहा है कि 21वीं सदी एशिया की सदी। की अध्यक्षता है और भारत में G20 की शिखर बैठक प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे। अहम भूमिका, जी हाँ, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हमारी सदी है। प्रधानमंत्री का संबोधन आसियान इंडियन समिट पर पहुंचे हुए हैं। तो फ्री और इंडो ओपन पैसिफिक को बढ़ावा देना है, साथ ही ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करना है, इस नारे के साथ प्रधानमंत्री ने का संबोधन रहा। तो आसियान भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो अहम भूमिका, जहां 21वीं सदी एशिया की सदी है। इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान मैटर्स क्योंकि यहां सभी की आवाज सुनी जाती है, और आसियान इज एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ क्योंकि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर की यही भावना भारत की G20 अध्यक्षता की भी थीम है। योर मैजेस्टी एक्सलेंसीज, 21वीं सदी एशिया की सदी है, हम सबकी सदी है। इसके लिए आवश्यक है कि हम एक रूल्स बेस्ड पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर का निर्माण और मानव कल्याण के लिए सबका प्रयास, फ्री और ओपन इंडो पैसिफिक की प्रगति में और ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने में हम सबके साझे हित है। मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। कंट्री कोऑर्डिनेटर सिंगापुर, आगामी अध्यक्ष लाओ पीडीआर और आप सभी के साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद।